पीटीआई के सीनियर रहनुमा फारूक हबीब हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक हबीब साहब से जानते हैं, इकतदार गया तो थोड़े वाल भी उड़ गए ने, उड़े उड़े लग रही उड़े उड़े लग रहे ने। देखो उड़े उड़े इस वजह तो लग रहे हैं कि बाकियों भी पता लगे कि वह भी उड़न वाले ने। आप भी उन चार पाँच रहनुमा में शामिल हैं जिनकी तरफ चौधरी परवेजदाई ने इशारा किया था कि ये कहते थे नहीं हूँ नहीं तोड़ो हूँ नहीं तोड़ लो। ये तो चौधरी परवेजदाई साहब ही दस सकते हैं कि उन्होंने ख्याल जो है कहते कहते बारे च सी। और लेकिन देखें असम्बलियों से हम बाहर आ गए हैं, हम हमें पता है कि अब हमने इंतखाबात की तरफ जाना है, तो दो कश्तियों का सवार नहीं हो सकता, या आप इकतदार में हैं या इकतदार में आप नहीं हैं। तो ये मुनासिब नहीं लगता था कि हम असम्बलियों में बैठ के इंतखाबात का मुतालबा करें, तो हमने आईनी रास्ता इख्तियार किया, असम्बलियाँ हमने तहलील कर दी हैं। जब आपने पुलिस की गाड़ी रोकी है डर नहीं लगा? मुझे क्यों डर लगेगा, पता नहीं कहते हैं दो दिन नजर ही नहीं आए फारूक साहब। अल्लाह से डरते हैं, उस अल्लाह की ज़ात से डरते हैं, वही अल्लाह की ज़ात है, और किससे डरना है। कपड़े भी फाड़ दिए आपने, पुलिस वालों की वर्दी फाड़ दी, इंसान को नहीं डरा सकता, पुलिस वालों की वर्दी फाड़ दी आपने। मेरे ख्याल में गाड़ी को हाथ लगाने से वर्दियां फटती हो तो यहाँ पे तो फिर वर्दी रही ना। और उनकी जो गाड़ियां आपने चुराई हैं, जो पैसे हैं, वो किधर हैं? नहीं, उन्होंने कहा है कि आप बैनुल सूबाई डकैत बन गए, जो मुकदमा जो है वो दर्ज किया है। तो मेरे ख्याल में अब मशवरा यही है कि पुलिस वालों को भी सिक्योरिटी के लिए कोई गार्ड्स रख के देने चाहिए। पीटीआई सारी कहती है इमरान खान हमारी रेड लाइन है, तो रेड लाइन क्रॉस होने दे गिरफ्तार, मजीद बड़े लीडर बन जाएंगे? नहीं देखें, क्यों गिरफ्तार होने देना, पहले तो आप ये बताएं इमरान खान ने कोई चोरी की है, डाका डाला है, कोई दहशत गर्दी की है, कोई जासूसी की है, किया गया भाई इमरान खान ने? आप कहते हैं हम जो है वो इन साजे माजों के हवाले इमरान खान को कर दें, ये नहीं हो सकता। ये कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, किसी को गैर कानूनी काम नहीं करने देंगे। हमें जेलों से डर नहीं लगता, लेकिन जब हमने कोई काम गलत नहीं किया तो आप गैर कानूनी और मावराए आइन आपको काम हम करने क्यों दें? ये है सवाल जो को आपको इनको पूछना चाहिए। अब किसी की ख्वाहिश होनी ख्वाहिश हो तो ये तो नहीं हो सकता ना कि आप जो लोग जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इस मुल्क के लिए स्ट्रगल की है, वो जेलों में जाएँ और चोर डाकू जो हैं वो लुडियाँ डालते फिरें, ये तो नहीं हो सकता। इतने मसूम चलें जी, बिल्कुल फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका यही कहना है इमरान खान हमारी रेड लाइन है और साजे माजे गामों के हाथों हम इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने देंगे।